केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कोरोना का टीका लगाया और नागरिकों ने भी निर्भय होकर कोरोना का टीका लगाया ऐसा आह्वान किया। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने 5 मार्च को कोविशील्ड कोरोना टीका लिया। यहां के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में जाकर उन्होंने यह टीका लिया। इस समय वैद्यकीय कर्मचारियों की ओर से बहुत ही प्रभावी कार्य होने पर उनका और टीका लिए ज्येष्ठों का पुष्पगुच्छ देकर श्री अहीर ने स्वागत किया। टीकाकरण अवसर पर अधिष्ठाता डॉक्टर हुमने, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर निवृत्ति राठौड़ उपस्थित थे। उक्त टीका यह कोरोना जैसी महामारी पर प्रभावी होने से ज्येष्ठों से सभी संबंधितों ने यह टीका लेकर कोरोना के संकट से स्वयं को सुरक्षित रखे ऐसा आह्वान कर इस टीका के बारे में निर्माण किए जा रही अफवाह और गलतफहमी पर ध्यान न देते यह टीका स्वयं स्फूर्ति से लेने सभी ने आगे आए ऐसा आह्वान श्री अहीर ने इस टीकाकरण की पार्श्वभूमि पर किया। खतरनाक बीमारी से मुकाबला करने के लिए हम करीब 1 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सारी सुविधाओं के साथ में देश की जनता की जान बचाने का काम हुआ है, उसके बाद में दुनिया में इस सब प्रधानमंत्री की योजनाओं की तारीफ हुई है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो मैंने अभी वैक्सीन लिया है ये कोविड से बचने के लिए वैक्सीन हम देश में दे रहे हैं, तो उसका लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 तारीख के दिन मार्च को लिया था, उसके बाद हमने आज लिया है। उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार देश में आज लाखों लोग ये वैक्सीन ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने सभी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में फ्री में ये वैक्सीन दी जा रही है। आज की हालत में तो 60 ईयर के ऊपर के लोगों का अभियान चल रहा है। मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि हमारे देश में जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो रिसर्च करके वैक्सीन बनाई है और वैक्सीन बनाने में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त की है कि दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र देश हैं जो अपने आप को प्रगत राष्ट्र समझते हैं, उनमें भारत देश को प्रगत राष्ट्र नहीं मानते हुए भी दुनिया का मेडिकल स्टोर जो भारत देश को माना जाता है उस देश के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये वैक्सीन बनाया है और दुनिया की मान्यता इसको मिली है। और आज हमारे देश की बड़ी ICMR द्वारा जो वैक्सीन बना है या हमारे पुणे की जो इंडस्ट्री है उसमें भी अन्य देश के साथ में टाइप करके वैक्सीन बनाया है, तो ये देश की बड़ी सफलता है और इसके पीछे अगर प्रेरणा किसी की है तो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा भी है, नियोजन भी है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने वैक्सीन की उपलब्धता करा दी, रिसर्च करने में बहुत मदद की आपने, मार्गदर्शन भी किया था और इसलिए भारत देश की कंपनियों ने इसको बनाया है। ICMR का विशेष करके उल्लेख करूँगा जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, ये दोनों को मैं मेरे बड़े भाई हरिश्चंद्र, मेरे मित्र रूंठा जी, डॉक्टर स्वयं CS साहब ने सेकंड डोज लिया है आज, डीन साहब भी यहाँ कार्यक्रम में थे, तो मुझे लगता है कि देश जिस शहर के जिले के सभी व्यक्तियों ने इस वैक्सीन को लेने के लिए आगे आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेना चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहिए। और ये भी कहूँगा कि मैं वैक्सीन लिया हूँ तो भी मैं इसे 56 दिन तक 56 डे मुझे ये मास्क का यूज़ करना है, इसको मुझे छोड़ना नहीं है, आप भी इसका यूज़ करें। धन्यवाद।